नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस बीमारी जिसने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है और अब भारत में भी इस बीमारी के मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद केंद्र व सभी राज्य सरकारों द्वारा लोगों को बीमारी से सचेत रहने और सावधानी अपनाने का आह्वान किया जा रहा है। पुणे, मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में 3 से 4 मरीजों में संक्रमण पाए जाने की बात सामने आई है और इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मनपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए अलग अलग मैसेज के माध्यम से और उच्च अधिकारी जनता को इस बीमारी के लिए सावधानी बरतने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख द्वारा भी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उल्लासनगर शहरवासियों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इस वायरस से बचने के लिए जो मास्क और दवाइयों की भी कालाबाजारी हो रही है, उसके लिए भी मनपा की तरफ से ऐसे स्टोर्स पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 5 तारीख से लेके कंटिन्यूस कलेक्टर साहब के पास मीटिंग, सेक्रेटरी के पास मीटिंग, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस माननीय हमारे जो CM है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दी। उल्लासनगर में हमने जो है अपने सभी हेल्थ वर्करों का हमने वर्कशॉप लिया है, प्राइवेट डॉक्टर्स का वर्कशॉप लिया है और उसके अलावा जैसे जैसे हमारे पास गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती जा रही हैं वैसे वैसे हम प्रक्रिया उसके ऊपर एक्शन लेते जा रहे हैं। और अभी तक आज की तारीख में उल्लासनगर में कोई भी पॉजिटिव केस या सस्पेक्ट केस नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसके लिए अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे कुछ रखा गया? यस, उसके लिए हमने जैसा पॉजिटिव आएगा तो पहले हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो एयरपोर्ट पे बंदा उतरेगा उसकी तरफ से हमको लिस्ट आती है, नाम आता है। यहाँ पे हमने उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल में 8 बेड आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल मीरा एनेक्स हॉस्पिटल है, उन्होंने हमको 3rd फ्लोर पे 8 बेड आइसोलेशन वार्ड बना के दिया हुआ है प्राइवेट में। हम वहाँ पे पेशेंट ऐसा कोई भी रहेगा या सेंट्रल में रहेगा, हम दोनों तरफ से उनकी तरफ टाया पे हमारा। अगर कोई पेशेंट रहता है तो उसको लेने के लिए कुछ सुविधा आपके तरफ? हाँ, उसके लिए हमने माननीय कमिश्नर साहब से परमिशन लेके कारपोरेशन की जो 3 एम्बुलेंस में 1 एम्बुलेंस हमने फिक्स कर दिए हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, ऐसा कोई भी इमरजेंसी आएगा तो वो एम्बुलेंस 24 घंटे हमारे साथ रहेगी और वो पेशेंट को हम शिफ्ट करने की, अगर हमारे पास वो ट्रीटमेंट नहीं रही तो आगे सिविल हॉस्पिटल थाने या उसके आगे कस्तूरबा हॉस्पिटल जाना है तो भी हमने वो बंदोबस्त किया हुआ है। कोरोना का वायरस जो एक दूसरे से फैल रहा है वो किस तरीके से फैल रहा है या उसके लिए क्या रोकथाम है? उसके लिए कोरोना वायरस जो है वो जैसे पहले स्वाइन फ्लू सरीका था कि भाई सामने खांसी करने का है तो वो डायरेक्ट आता है, ये कोरोना वायरस क्या है कि आप अगर खांसी करेंगे, छींकेंगे तो उसके जो वायरस हैं वो सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और आपने अगर सरफेस को टच किया और वो आपके मुंह को लगा या नाक को लगा तो उसमें से आपको ये स्प्रेड होगा। और इसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो अभी पूरे महाराष्ट्र में क्या शहर में हमारे मास्क की और ये चल रही है, मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मास्क खरीदी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मास्क वो बंदों को, वो स्टाफ को लगाना है जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, उनको ही मास्क, स्कूल में या आपके कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को बोला है कि मास्क लेके आओ और सैनिटाइजर भी अपने साथ लाओ, उसमें हाँ इसमें 2 चीज़ें हैं। सैनिटाइजर अच्छा है, खुद को हैंड वॉश रेगुलर वे पे करना है, मास्क नहीं। अभी माननीय आयुक्त साहब ने एडुकेशन ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उनकी इंस्ट्रक्शन कल उनके जो कॉरपोरेशन के स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको कल सुबह को वो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ऐसी कोई भी मास्क के लिए और उसके लिए कुछ भी कंपल्शन नहीं है। कुछ मेडिकल स्टोर्स भी मास्क और सैनिटाइजर के लिए कुछ ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, उसके लिए महापालिका की तरफ से कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। इसके लिए यहाँ के जो केमिस्ट एसोसिएशन है मिस्टर ठाकुर, अभी मैंने उसको 5 मिनट पहले फोन लगाया था, उसने फोन नहीं उठाया। हमने परसों सैटरडे को वैसे भी उनके साथ एक केमिस्ट के एसोसिएशन का एक मीटिंग रखी हुई है, हम उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे कि अपने मेडिकल स्टोर वालों को बोलो कि ये कोई भी चीज़ की
ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, अगर हमारे ध्यान में आया तो विल रिपोर्ट टू द फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट थाने, जो मेन अथॉरिटी है उनकी। जैसे एक डॉक्टर भी है तो लोगों को कोरोना वायरस के विषय में कुछ जागरूक कुछ मैसेज देना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, कॉशियस होना है। और किसी का भी ऐसे जो भी ट्रेवलिंग करके आए हैं बाहर अबाउट कंट्री से, उससे थोड़ी सावधानी रखिए। डायरेक्ट दूसरे के सामने खांसी मत कीजिए, अगर आपको खांसी आती है तो आप रुमाल रखिए और उसके साथ कीजिए, नहीं तो खांसी करने का ये एक टेक्निक है, ये ऐसा भी आप कर सकते हैं। और हैंड शेक कंटिन्यूस नहीं कीजिए, अगर आपको करना है तो नमस्ते कीजिए। वो अभी हमने कॉर्पोरेशन में सभी पदाधिकारियों और कॉर्पोरेशन के सभी एचओडी के चैम्बर के बाहर वो हमने हैंड बिल लगाया है, डोंट हैंड शेक ओनली नमस्ते। और शहरवासियों को भी यही है कि ये ऐसे माहौल में थोड़ा आप जितना पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे, जितना पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करेंगे तो उससे आप बच पाएंगे। दूसरी जो बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत से मैसेज आते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, इसीलिए जब तक कॉरपोरेशन की लेवल पे या कलेक्टर की लेवल पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक कृपया कर पे आप जो भी व्हाट्सएप पे अफवाहें फैल रही उस पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कुछ भी ये सिलसिले में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में भी है और हमारे यहाँ महानगर पालिका में भी आप हमको फोन कर सकते और हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर ऐसी कुछ भी चीज हुई तो हम आपको खुद ही कॉर्पोरेशन की तरफ से माननीय कमिश्नर साहब के अध्यक्षता में हम वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।